हेलो गाइस, तो आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब है कि दुनिया में जितने भी देश हैं। ओके, सो हर देश में वहाँ की सरकार अपने देश के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती हैं, तो उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से उस देश के इकोनॉमी का अपना एक नेचर होता है। ओके, तो दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ पे जो इकोनॉमी है उनका जो नेचर है वो इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगा। ओके, यानी किसी देश की इकोनॉमी या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, या सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, या कम्युनिस्ट इकोनॉमी होगी। यानी किसी भी देश के जो इकोनॉमी का नेचर होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा, और इन चारों में से उस देश की इकोनॉमी कौन सी होगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रहे हैं और क्या वर्तमान में हैं। ओके, सो इन चारों ही इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, हम इनके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे और एक इकोनॉमिक सिस्टम को हम दूसरे से कंपेयर करके उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओके, ये सारे एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले कंपैरिजन करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो बिकॉज़ ये आज के डेट में दुनिया में अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को देखें या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ओके, जिन्होंने भी अपने 50s, 60s, 70s, 80s के दौरान अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, ओके, अपने यहाँ जो लाइसेंसिंग था उसको अबेंडन किया और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया, तो उन सारे देशों में जो आज इकोनॉमी का नेचर है वो कैपिटलिज्म का है। और जिन देशों ने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन को रखा, लाइसेंस को रखा और सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स को, कंपनीज को प्रमोट किया, उनका नेचर सोशलिस्ट इकोनॉमी का है। और जिन देशों ने 90s यानी 1991 से 2000 के बीच में या इन 20th सेंचुरी जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया और उसे फ्लोरिश होने दिया, लाइसेंसिंग को अबेंडन किया, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया, तो उन देशों की आज की डेट में जो इकोनॉमी का नेचर है वो मिक्स इकोनॉमी है। ओके, तो चूंकि इंडिया ने 1991 में एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो इंडिया की आज जो इकोनॉमी का नेचर है वो मिक्स इकोनॉमी है। ओके, और इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो ये पूरा ट्रांजिशन, ओके, कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, पहले तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे और एक इकोनॉमिक सिस्टम के फेल्योर को भी देखेंगे, प्लस उसके फेल्योर की वजह से जो उसमें ट्रांजिशंस होते हैं, ओके, फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे ट्रांजिट करती है, इन सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि एक किसी देश में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो कैसा होगा विद रिगार्ड टू कि किसी देश में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो पहला डिफरेंस देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ओके, यानी जो देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है वहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो गुड्स कमोडिटी बनाती हों, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हों, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर प्राइवेट। ओके, वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज आर गवर्नमेंट, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर प्राइवेट। वेयर एज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिलोंग टू पब्लिक सेक्टर। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको वहाँ जो भी इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, ओके, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, ज़्यादातर इकोनॉमिक यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट या प्रोड्यूसिंग यूनिट वो या तो फुली गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती हैं, ओके, या पार्सली गवर्नमेंट, यानी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट्स आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, दे आर गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, या तो वहाँ 100% गवर्नमेंट का शेयर होगा या उस कंपनी में मोर देन 50%, ओके, गवर्नमेंट शेयर होगा। दूसरा डिफरेंस देखिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं। ओके,
अब लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कि देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। किसी भी देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा पार्ट होता है फिस्कल पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल या तो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से किस चीज़ को प्रमोट करना है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है उस कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, ओके। और इस पे मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है और उस लेक्चर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा ऑफ आरबीआई, आप उसे देख सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो जब हम बात करते हैं लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी तो हम किसी देश के गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ हम उनके मॉनेटरी पॉलिसी को भी कह सकते हैं, पर मेनली इट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी और गवर्नमेंट की जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ओके, अगर आप लाइक यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को देखें या फिर अमेरिका को देखें, ठीक है, या आप जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, तो ये जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो बहुत लिबरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ये कंट्री जिनका मैंने नाम लिया, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है वो यूजुअली कम होता है, ओके। कॉरपोरेट इनकम टैक्स इसलिए कम रखा जाता है ताकि कंपनीज़ को मोटिवेशन मिले, ओके। कंपनीज़ को मोटिवेशन मिले कि वो और फ्लॉरिश करें, अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं, ओके, वो अपने ब्रांचेस को ग्रो करें। तो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट यूजुअली जो उनकी कंपनीज़ के लेकर टैक्सेशन, जो उनकी कॉरपोरेट इनकम टैक्स होती है या जो सर चार्जेज या सर्ज टैक्स होते हैं, ये यूजुअली कम होते हैं, ओके। वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट बहुत बहुत सारे इंसेंटिव देती है वहाँ के कॉरपोरेट्स या प्राइवेट सेक्टर को कि वो और फ्लॉरिश करें, ओके। और तो अगर किसी देश में गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी लेस प्रोग्रेसिव है यानी ऐसी है कि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सीआईटी, उनका जो आप कह सकते हैं सर्ज टैक्स, ये सब कम है, तो उस देश में वो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी मानी जाएगी। साथ ही साथ लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है, वो होता है रिमूविंग ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर किसी देश में गवर्नमेंट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं अगर उनको लाइसेंस के थ्रू कंट्रोल करती है, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है उसको जो भी मतलब उसको अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो जो लाइसेंसिंग सिस्टम होती है ये लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को वायलेट करता है, यानी जो कंट्री लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करती है वहाँ कोई भी लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होता है, ओके। और वहाँ पे गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं क्रिएट करती हैं, ओके। यानी गवर्नमेंट कोई ऐसा लजिस्लेशन नहीं बनाती है जो इकोनॉमी में कंपनीज़ को डाइवर्सिफाई करने से या किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में, मतलब जैसे मान लीजिए डिफेंस प्रोडक्शन को लेके, तो आप देखेंगे अमेरिका में या बाकी जो भी, जैसे फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, इन सारे कंट्रीज़ में जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स जाकर जो भी आर्म्स एम्यूनिशन गन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर बाकी कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर गवर्नमेंट लाइसेंस को अबेंडन कर देती है, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करती है और जो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी है उसको फ्लेक्सिबल रखती है, तो ये सारी चीज़ें लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट हैं, ओके। और वहाँ की अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाती है, ओके, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, तो वो भी एक तरह का लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही आएगा। अब वहीं पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिजिड गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है। रिजिड गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब है कि जो लिबरल जो चीज़ें इकोनॉमी को लिबरल बना रही थी,
या जो पॉलिसीज़ इकोनॉमिक सिनेरियो को लिबरल कर रही थी उनको अपोजिट कर दीजिए। यानी रिजिड गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब क्या है कि उस इकोनॉमी में लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, ओके, उस इकोनॉमी में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देगी कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ में ये पर्टिकुलर सर्विस या कमोडिटी सिर्फ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, ओके। और लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंसिंग हो गया, ओके, और रिस्ट्रिक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक रिजिड गवर्नमेंट पॉलिसी को दर्शाती हैं। तीसरा डिफरेंस है, रिसोर्स एलोकेशन इन इकोनॉमी इज़ डन बाय मार्केट मैकेनिज्म। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखें तो वहाँ इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये होता है कि उस इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल है, ओके, उस रॉ मटेरियल से क्या फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, यानी रॉ मटेरियल या उस इकोनॉमी में जो बेसिक रिसोर्सेस हैं, ओके, उनसे क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, क्या गुड्स कमोडिटी या सर्विसेज बनेंगी, अगर इसका डिसीजन मार्केट डिसाइड करे, और मार्केट कैसे डिसाइड करेगा, एग्रीगेट डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। अगर उस सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स की डिमांड है, ओके, जो एग्रीगेट डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स है, अगर उसके आधार पे वहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो वो रिसोर्स एलोकेशन मार्केट मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। इसको मैं और टेक्निकली अगर बताऊं तो मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो रिसोर्स, जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट मैकेनिज्म में आप देखते होंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिसाइड करती है प्राइस और आउटपुट लेवल को। तो अगर एग्रीगेट मार्केट डिमांड और एग्रीगेट मार्केट सप्लाई कर्व को आप ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस पे आता है जनरल प्राइस लेवल, ओके, जनरल प्राइस लेवल इन द मार्केट, और एक्स एक्सिस पे आता है नेशनल इनकम। तो अगर किसी सोसाइटी में गवर्नमेंट मार्केट को फ्री छोड़ दे, ओके, गवर्नमेंट ये डिसाइड ना करे कि हमें ये चीज़ें बनानी हैं, यानी गवर्नमेंट मार्केट को छोड़ दे कि जो कंज्यूमर का एग्रीगेट डिमांड है उसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई बनाएं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे मीट करेंगे वो मार्केट प्राइस बनेगा, तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहलाती है। और जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करती है, बहुत मिनिमल इंटरवेंशन करती है। अदरवाइज मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ही चलते हैं। वहीं पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन इज मैनली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार तय करती है कि इकोनॉमी में क्या बनना, मतलब कौन से सामान, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, इसके डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, ओके। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनानी है तो गवर्नमेंट जो भी उस सोसाइटी, उस जो कंट्री का रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, उनको डाइवर्ट कर देगी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ओके मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो वो, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल, जो रिसोर्सेस हैं उनको प्रोसेस करके किस तरह का फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, ओके। तो और एक तरह इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको सोशल सेक्टर, मतलब वहाँ पे उस समाज में गरीबी हटाने के लिए, यानी पावर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, जैसे लाइक अपने इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में पावर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो मनरेगा है, ओके, नेशनल रूरल लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट मिशन, आजीविका मिशन, ओके, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ओके। सो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करती है, इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज सोसाइटी की हैं गवर्नमेंट डाइवर्ट कर रही है सोशल सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज कम बचता है। तो अब अगर कंज्यूमर या मार्केट डिमांड इन कुछ और है तो प्राइवेट सेक्टर के पास चूंकि रिसोर्सेस कम है तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी।
तो ये एक दूसरा एग्जांपल था। और ये रिसोर्स एलोकेशन का एग्जांपल जो मैंने अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया, ये मिक्स इकोनॉमी में प्रेवलेंट होता है। ओके, यानी अगर गवर्नमेंट की जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की जो टेक्निक होती है, ये एक तरह का रिसोर्स एलोकेशन बाई गवर्नमेंट होता है इन मिक्स इकोनॉमी। ओके, और सोशलिस्ट में तो मैंने बोला कि वो पूरी तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम और रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अगर चौथा डिफरेंस की बात करें, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती हैं, चूँकि वहाँ प्राइवेट फर्म है और प्राइवेट फर्म्स का एक ही मोटिव होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू, एंड द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी एज लिस्ट एज पॉसिबल, सो दैट द प्रॉफिट कैन बी एज मोर एज पॉसिबल। वहीं पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। अच्छा, एक कंपैरिजन और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंपनीज हैं, वो उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी जिनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। ओके, या जिनकी प्राइस ज़्यादा है, अगर जिसका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, उस कमोडिटी या सर्विस की प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर किसी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो पर्टिकुलर उसी कमोडिटी को बनाना चाहते हैं, नो मैटर कि वो कमोडिटी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में गन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर प्रॉफिट मोटिव अगर अच्छा है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है प्रॉफिट का, तो कंपनीज गन्स बनाने लगेंगी, नो मैटर कि वो सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं। यानी जो कंपनी का इंटेंशन है प्रोडक्शन को लेके, वो उन एरियाज़ में या उन कमोडिटीज़ या सर्विसेज को लेके है जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। वेयर एज जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे जो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो सोशल वेलफेयर होता है। यानी कि मैंने बोला कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज, मेनली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज, तो उनका मोटिव होता है कि जो सोसाइटी की जो नीड है, जो सोसाइटी में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की डिमांड है, जो नीड है, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना। और अगर उन चीज़ों को बनाने में अगर उन्हें कम प्रॉफिट होता है, ओके, तो मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्शन का, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सोसाइटी को उसके इसेंशियल कमोडिटीज़ और उसके नीड को फुलफ़िल करना, ताकि सोसाइटी में वेलबींग को अचीव किया जा सके, सोसाइटी में लोगों को बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और उनको साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी उनके हैप्पीनेस को बढ़ाया जा सके। तो इन सारे एरियाज़ में प्रोडक्शन पे फोकस होता है। ओके, और मैं ये आइडियल कॉन्सेप्ट बोला, अभी मैं इसकी रियलिटी भी आपको बताऊंगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें जो अब यहाँ से शुरू हो रही हैं 0.456 से, ये आइडियल इन नेचर होती हैं, मतलब सॉरी आइडियल और कॉन्सिक्वेंशियल दोनों होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अगर पाँचवा डिफरेंस देखें, तो होती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एफिशिएंसी हाई होती है। एफिशिएंसी हाई होने का कारण है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर जो फर्म्स हैं या इकोनॉमिक यूनिट हैं, वो प्राइवेट हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे जो हायरिंग एंड प्राइवेट कंपनी है वेरी फ्लेक्सिबल हायरिंग एंड फायरिंग, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर करना आसान है, उनको फायर करना आसान है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ का जो प्रमोशन होता है, वो परफॉर्मेंस लिंक्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ओके, और अगर वहीं पे तो फ्लेक्सिबल हायरिंग फायरिंग होती है, ओके, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होते हैं, और तीसरा आप डिफरेंस कह सकते हैं कि जो एक रिजिड हायरार्की होती है, वो वहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है प्राइवेट सेक्टर में। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर में जो आप ये कह सकते हैं लिबर्टी ऑफ से, यानी कि अगर कोई जूनियर है, ओके, अगर उसे अपने मैनेजर या सुपीरियर से कोई सजेशंस देना है, अगर कोई पॉइंट मेक करना है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी एकोमोडेटिव या एक्सेप्टिव इन नेचर होता है। ओके, काफ़ी फ्रेंडली। वहीं पे अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखें, तो इफिशियंसी, अगर छठा पॉइंट में देखो, तो लो इफिशियंसी का सबसे बड़ा इन्हीं को रिवर्स कर दीजिए, चूँकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक फर्म्स या यूनिट गवर्नमेंट के होते हैं,
अब चूंकि गवर्नमेंट के हैं तो रिजिड हायरिंग रिजिड फायरिंग, यानी कि आप एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उसके तहत एक बार नौकरी पा गए तो आपकी रिटायरमेंट तक नौकरी बनी रहेगी। तो रिजिड हायरिंग है एंड रिजिड फायरिंग, ओके, आपकी नौकरी जानी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं होता है, वो प्रमोशन जो होता है वो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि ठीक है, मतलब फिक्स एक्सपीरियंस के आधार पे यूजुअली प्रमोशंस होते हैं। और तीसरा कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनमें जो से या लिबर्टी टू मेक सजेशंस या लिबर्टी टू गिव सजेशंस टू सुपीरियर वो नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही रिजिड हायरार्की होती है, ओके, यहाँ पे लोग उस चीज़ को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ लेते हैं, ओके। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ओके, वो ज़्यादा होता है, लेकिन उनको जो लिबर्टी होती है बोलने की वो बहुत कम होती है, ओके, सजेशंस मेक आउट करने की। सो बिकॉज, और सबसे बड़ा कारण है कि ये जो इनका प्रोसेस है कि प्रमोशन जो होगा वो एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा, तो ये सारी कारणें मिलके इनके इकोनॉमी में जो भी यूनिट्स हैं अगर उनकी एफिशिएंसी कम है तो उन्हीं यूनिट उन्हीं प्रोडक्शन यूनिट से तो इकोनॉमी बनता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ओके। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी आर यूजुअली पुअर, अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के जीडीपी को देखें तो वो उनकी जीडीपी यूजुअली लो होती है, वेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हाई एफिशिएंसी होने की वजह से उनकी जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ओके, जीडीपी जीएनपी यूजुअली बहुत हाई होता है। छठा डिफरेंस, सोशल इनइक्वालिटीज़ आर मोर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सोशल इनइक्वालिटी की है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि अमेरिका इतना प्रॉस्पेरस कंट्री है, तो जो भी कंट्रीज़ आज की डेट में डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे सोशल प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उन देश में आज भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। प्लस अगर उनके कैपिटलिज्म की शुरुआत में आप जाएं, यानी कि अगर अमेरिका ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया 1940s और 50s के दौरान, या जे मान लिया जिन कंट्रीज़ ने 50s, 60s, 70s के दौरान कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, उन सभी कंट्री में शुरू के 30-40 सालों तक जो इनइक्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, पहला होता है इनकम इनइक्वालिटी, दूसरा होता है सोशल इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम रिसीव होता है लोगों को, उनमें बहुत डिफरेंस होता है, ओके, रियल पर कैपिटा इनकम जो लोग रिसीव करते हैं एक्चुअली में वो बहुत कम होता है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती हैं, ओके, वहाँ पे स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो वहाँ पे लोअर इनकम ब्रैकेट है, ओके, या जो लेबर क्लास है, ओके, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है उसमें से अगर वो एक्सपेंडिचर को हटा दें, जो वो एक्सपेंडिचर करेंगे, चूँकि इन्फ्लेशन हाई है तो जनरल प्राइस लेवल हाई होता है, तो उनके डिस्पोजेबल इनकम से अगर उनका एक्सपेंडिचर हटाएं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो उनके पास बहुत कम सेविंग्स बचती हैं। वेयर एज जो ओनर्स हैं उन कंपनीज़ के, उनके पास मोटा प्रॉफिट आता है, ओके, और उनकी जो सेविंग्स होती हैं उनके एक्सपेंडिचर के बाद वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो अपने उस बहुत ज़्यादा सेविंग से, एक तो उनके इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा से उनकी सेविंग्स ज़्यादा हैं, और इस ज़्यादा सेविंग से वहाँ पे रियल इस्टेट या फर्दर बिजनेस क्रिएट करते हैं। और कहने का मतलब है कि वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो वेल्थ क्रिएट हो भी रहे हैं वो सिर्फ रिच के पास जाते हैं, ओके। तो और उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि मतलब समाज में शिक्षा को लेके भी, मतलब जो गरीब है उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, जो अमीर हैं वो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर पाते हैं, जो रिच हैं वो अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहीं पे पुअर्स को गवर्नमेंट हेल्थ केयर। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, चूँकि प्राइवेट में जो ओनर्स हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप समझिए
कि जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आज, वो चाहे जितना भी प्रॉस्पेरस सुंदर लगें, आज की डेट में वहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत अच्छा है, पर उनके इस कैपिटलिज्म के बिल्डिंग प्रोसेस को अगर आप देखें कि जब उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और वहाँ पे जब प्राइवेट सेक्टर खड़ा होना शुरू हुई और वो फ्लोरिश करना शुरू किए, तो शुरू के 20 जो 30 40 साल होते हैं वो साल पूरे इनइक्वालिटी से भरे होते हैं। वहाँ पे बहुत इनकम इनइक्वालिटी होती है, सोशल डिससेटिस्फैक्शन होती है, सोशल क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा होगी तो सोशल क्राइम्स भी होंगे। इस पे एक बहुत खूबसूरत मूवी, आई थिंक अमेरिकन गैंगस्टर, अगर आप उसे देखें तो वो अमेरिका के उस शुरुआती बिल्डिंग दौर की ही बात है। तो कोई भी इकोनॉमी जब कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करके फ्लोरिश करना शुरू करता है तो शुरू के 30 40 साल तक इनइक्वालिटीज़ हाई होती हैं, सोशल क्राइम्स हाई होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशल जस्टिस इज अचीव्ड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैंने बोला कि गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन को इस तरह से करती है कि वो वही कमोडिटी या सर्विसेज बनाती हैं जो सोसाइटी की नीड है। तो अगर सोसाइटी की नीड फुलफिल हो रही है तो वेलफेयर अचीव होगा, और उस वेलबींग को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एजुकेशन और सब बराबर हैं, बिकॉज सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस है वो अचीव होता है, ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है। पर जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी हैं वहाँ पर ये देखा गया कि सोशल इनइक्वालिटीज़, अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया तो शुरू के टाइम में तो वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर होता है वो अच्छा होता है। सोशल वेलफेयर इनिशियली बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ भी बहुत कम होती हैं और सोसाइटी में एक हैप्पीनेस होती है, लोगों के बीच में सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लो एफिशिएंसी है, और बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है और नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने ही फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव को या फिर जो वहाँ पे लेजिस्लेचर हैं वो अपने ही रिलेटिव्स को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ करप्शन एंड लो एफिशिएंसी इनकी जीडीपी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाती, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पाता। तो जो ओवरऑल वेलबींग या जो सोसाइटी का जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाता है, बिकॉज नो सोसाइटी और नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर किसी कंट्री को या किसी रीजन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अपने लोगों की वेलबींग करनी है तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक से इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं करेगा, सरकार के पास पैसे नहीं आएंगे तो इकोनॉमी सस्टेन कराना और गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ पाएंगे तो सोसाइटी का वेलफेयर लॉन्ग टर्म में हैम्पर हो जाता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी शुरू में तो अच्छी लगती हैं, जैसे मैंने बोला ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुरू के 40 साल तक ये एक तरह की आप कह लीजिए कि पेनफुल दवा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक पेनफुल इंजेक्शन है जो शुरू के 40 50 30 40 सालों तक दर्द देती है लोगों को, लेकिन उसके बाद चूंकि जीडीपी लगातार बढ़ती रहती है तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है टैक्स के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर करके और फिर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर के लिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चला के पूरी वो जो इनइक्वालिटी या सोशल डिस्पैरिटी थी उसको रिमूव कर देती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फिर लोग खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सरकारी अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे अस्पताल होते हैं, अच्छी सड़कें होती हैं और ओवरऑल वेलबींग प्रमोट हो जाता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी एक अच्छी दवा है, शुरू में अच्छा लगती है, लेकिन चूंकि यहाँ एफिशिएंसी खराब होती है और यहाँ पे हाई करप्शन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, और इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो पाने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगातार पुअर होता चला जाता है, और स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पे पावर्टी हो जाती है, हंगर हो जाती है, और फिर कंट्री एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाती है जहाँ से उसे बाहर निकलना और अपने लोगों की वेलबींग को अचीव करना या इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन, लेट्स मूव अहेड। ओके,
Why it is not working? Okay. Okay, okay, okay. Okay. So next slide is mixed economy. अब आप देखिए, अगर हम इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इस सोशलिस्ट इकोनॉमी इन दोनों को मर्ज कर दें, यानी इन दोनों के फीचर्स को मिला दें, तो जो नई इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा होती है वो मिक्स इकोनॉमी होती है। तो ऑब्वियसली अब दोनों के फीचर्स मिलाएंगे तो क्या होगा, मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट रखूँगा। ओके, मिक्स इकोनॉमी में पहला पॉइंट, दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी ढेर सारे होंगे और पब्लिक सेक्टर भी होंगे, यानी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट कंपनीज़ दोनों फ्लोरिश करती हैं। दूसरी बात, मैंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है मैंने आपको बताया, और मैंने रिजिड इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है मैंने बताया। रिजिड इकोनॉमिक पॉलिसी होती है अगर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स को या रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन अडॉप्ट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, वहीं पर अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल पॉलिसी रखती है, लिबरल रखती है, मतलब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को रिमूव कर देती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हटा देती है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को अगर लेस प्रोग्रेसिव कर देती है, यानी अपने कंपनीज पे कम कॉरपोरेट इनकम टैक्स लगाती है, उनके सर चार्जेज या सर्ज टैक्स को हटा देती है, ओके, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या उनके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट बिल्ड करती है, ओके, उनके लिए इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करती है, उनके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाती है, फैसिलिटेट करती है, और शुरू के अगर कुछ सालों तक उनसे टैक्स, उनके ऊपर से टैक्स को माफ़ कर देती है, ओके, टैक्स रिबेट्स देती हैं, तो ये सारी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। तो अब जो मिक्स इकोनॉमी होता है, अब मिला दीजिए कि गवर्नमेंट लिबर्टी भी चूज़ करती है प्लस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी चूज़ करती है, जब दोनों को मिलाएंगे तो मॉडरेट पॉलिसी आएगी। तो मॉडरेट पॉलिसी में टेक्निकली क्या होगा, मॉडरेट पॉलिसी में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जहां पे गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को रिमूव कर देगी, पर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट लाइसेंस को बनाए रखेगी। कुछ चीज़ें, कुछ देर आर सर्टेन कमोडिटीज़ या सर्विसेज जिन पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करेगी, और कुछ ऐसे इंडस्ट्री होंगे जहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। ओके, तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में यूजुअली जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ओके, या जो हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती हैं और जिनमें रिटर्न लॉन्ग टर्म होता है, लाइक रेलवे, कि रेलवे अगर आपको दिल्ली से पटना तक रेल चलाना है तो आपको दिल्ली से पटना तक पहले रेल ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे, ओके, फिर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस और पोल्स, तो ये बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और इसे बनने में, फिर उससे रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट उन एरियाज़ में इन्वेस्ट करती है जहां प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने से हिचकिचाती हैं, ओके, और बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट में है तो गवर्नमेंट उन पर लाइसेंस या रिस्ट्रिक्शंस हटा देती है। और फिर और अब मॉडरेट इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी आता है कि गवर्नमेंट जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स रखती है वो मॉडरेट रखती है, मतलब इतना रखती है कि कंपनीज फ्लोरिश कर सकें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देती है, ओके, पर यहाँ पे फिर भी टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होता है बिकॉज गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना होता है, ओके, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को बहुत कम नहीं करती है पर एक सब्सटेंशियल कंडीशन में रखती है जहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू बने, जिससे गवर्नमेंट अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स को या अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट कर सके। तीसरी बात देखें मिक्स इकोनॉमी में कि मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म, यानी यहाँ पर मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, ओके, यानी जो उस इकोनॉमी में रिसोर्सेस हैं उनसे क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, इसे मार्केट भी तय करता है प्लस गवर्नमेंट भी तय करती है, ओके, गवर्नमेंट तय करने से मतलब है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के प्रोडक्शंस को प्रायोरिटी दे, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों के प्रोडक्शंस को बढ़ा दे तो इकोनॉमी के रिसोर्सेज सकआउट हो जाएंगे उन चीज़ों के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट फ्रीली मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ती कि जो डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से प्रोड्यूस करो, गवर्नमेंट यहाँ पर
तय करती है कि ओके सोसाइटी की जो नीड हैं या जो गवर्नमेंट की नीड हैं, या गवर्नमेंट के लिए अगर डिफेंस या प्रोटेक्शन या नेशनल टेरिटोरियल थ्रेट है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लोगों की और अपने नीड के हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन तय करती है। प्लस प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी फ्रीडम होता है कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करें। तो इसी पूरे दोनों चीज़ को मिलाएंगे तो मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म बन जाएगा। चौथा चीज़ है कि मिक्स इकोनॉमी में जो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन होता है ये बोथ, यानी यहाँ पे प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों होता है। प्रॉफिट, कंपनीज अगर प्रोडक्शन कर रही हैं तो प्रॉफिट के लिए कर रही हैं, और चूंकि गवर्नमेंट मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन को फुली मार्केट पे नहीं छोड़ती है, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन सिर्फ एक चीज़ के लिए करती है, उसका हर गवर्नमेंट की एक ही ऑब्जेक्टिव होती है, सोशल वेलफेयर। ओके, पांचवा है मॉडरेट इफिशियंसी। अब देखिए, चूंकि हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा था हाई इफिशियंसी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में लो इफिशियंसी, हाई और लो को मर्ज करेंगे तो मॉडरेट इफिशियंसी होगा। या आप इसको ऐसे समझें कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं मिक्स इकोनॉमी के अंदर, वहाँ हाई इफिशियंसी होगी, लेकिन उसी मिक्स इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पर लो इफिशियंसी होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी की इफिशियंसी मॉडरेट हो जाएगी। छठा पॉइंट है मॉडरेट सोशल जस्टिस, यानी कि जो मिक्स इकोनॉमी होती है वहाँ पे सोशल जस्टिस जो होती है वो मॉडरेट होती है, यानी सोशल वेलफेयर। ओके, और ये बात सच है, बिकॉज मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने बोला था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शुरू में सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत हाई होती हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टार्टिंग में सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत कम होती हैं, यानी सोशल जस्टिस होता है उसके स्टार्टिंग फेज में 20-30 सालों तक, 40 सालों तक, जब तक इकोनॉमी सस्टेन कर सके अपनी एफिशिएंसी को और वहाँ करप्शन ना हो। तो शुरू में तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, और शुरू में सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ गुड फॉर सोसाइटी। अब उन दोनों के फीचर को मिलाएंगे, अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज में इनइक्वालिटी होगा लेकिन कम होगा, और सोशल जस्टिस भी ठीक ठाक होगा। तो एक तरह की मॉडरेट सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस कंडीशन होती है मिक्स इकोनॉमी में। ओके, और मिक्स इकोनॉमी की खूबसूरती यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये कम होती चली जाती हैं। ओके, शुरू में थोड़ी ज़्यादा होती हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिड्यूस होती हैं। सेवेंथ है कॉम्प्रोमाइज़ मेड ऑन बोथ, यानी ये मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होके मॉडरेट हो जाती है, और सोशल जस्टिस भी कॉम्प्रोमाइज़ होके मॉडरेट हो जाता है। सो मिक्स इकोनॉमी क्या है, सोशल जस्टिस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है और अपने एफिशिएंसी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और अगर हम लास्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट बता दिया, उन दोनों के फीचर्स को मिला दिया तो मिक्स इकोनॉमी तैयार हुई, लेकिन एक नई टाइप ऑफ, मतलब एक अलग टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। दुनिया में आज की डेट में अब ये किसी भी देश में नहीं है। ओके, कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज़ प्रैक्टिकली नोवेयर, पर कम्युनिस्ट इकोनॉमी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं हम उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे। सो पहला, मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिलोंग टू पब्लिक सेक्टर, मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं डायरेक्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट्स को रिलेट करता हूं उनसे। ओके, पहला पॉइंट अगर हम देखें कम्युनिस्ट इकोनॉमी का, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म है। ओके, मतलब बिल्कुल ऐसा फॉर्म जहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, एकदम फुल गवर्नमेंट रेगुलेशन, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। तो अगर आप सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को एक्सट्रीम पे लेके चले जाएं तो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नो प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड। मैंने कहा था ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैक्सिमम इंटरप्राइज या फॉर्म्स गवर्नमेंट की होती हैं पर कुछ प्राइवेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इकोनॉमी में। एवरी प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमी, वेदर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी और सर्विसेज, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तीसरा, क्लासलेस सोसाइटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब जो कम्युनिस्ट
जिस कंट्री में या जिस सोसाइटी में कम्युनिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट, वो सोसाइटी को लोग बोलते हैं कि वो एक क्लासलेस सोसाइटी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। ओके, इगैलिटेरियन का मतलब इक्वल सोसाइटी, यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में सारी कंपनीज गवर्नमेंट की हैं तो वो कंपनीज और उस सोसाइटी के लोग ही इम्प्लॉयज़ होंगे उन कंपनीज़ में, और वो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो इकोनॉमी के हर वर्ग के पार्टिसिपेशन, यानी ईच ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ईच ग्रुप ऑफ सोसाइटी विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से जो आउटपुट आएगा उसको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। तो मतलब हर घर के पास बराबर रिसोर्स, उनके घर में जितने मेंबर्स हैं उनके हिसाब से उनको रिसोर्स मिलेगा, तो एक बराबरी होगा सोसाइटी में, मतलब सबके पास बराबर खाने पीने की चीज़ें होंगी, लगभग बराबर पैसे होंगे। तो ये एक तरह की इक्वल सोसाइटी होगी, जहाँ पे क्लासलेस का मतलब है ना कोई अमीर वर्ग होगा, ना कोई गरीब वर्ग होगा, ना ही कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी। ओके, नो पुअर, नो मिडिल क्लास, नो रिच। ओके, एवरी वन इज़ लाइक इक्वल। तो ये एक तरह की कह सकते हैं कि पंडोरा प्रिंसिपल है, मतलब एक तरह का ड्रीम सोसाइटी कह सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, उसका कारण मैं बताऊंगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो फोर्थ पॉइंट है, वो है करप्शन और लो इफिशियंसी। कम्युनिस्ट सोसाइटी में करप्शन जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, चरम सीमा पे होता है, और एफिशिएंसी, सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं बिल्कुल रिजिड, हायरिंग है रिजिड, फायरिंग है, प्रमोशन इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पर आपको लिबर्टी टू मेक सजेशंस भी बहुत कम होगा, तो पूरा का पूरा, और लोगों के पास चूंकि उनको पता है कि एक फिक्स इनकम आ रही है, प्रमोशन टाइमली होना है, तो लोगों के पास भी कोई पर्सनल इंसेंटिव या मोटिवेशन नहीं होता है परफॉर्म करने का। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इस इकोनॉमिक सिस्टम में पुअर होती चली जाती है। साथ ही साथ चूंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हाई लेवल ऑफ नेपोटिज्म करते हैं, वो अपने ही भाई भतीजा को वहाँ पे नौकरी दिलाने लगेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने रिलेटिव को सपोर्ट करेगी, तो नेपोटिज्म, करप्शन, लो एफिशिएंसी, मतलब पूरा इकोनॉमी चौपट हो जाती है। तो जो इनका सपना होता है ना इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने का, या क्लासलेस, या एक बहुत ही वेलफेयर, सब चौपट। बिकॉज जब तक से इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं करेगी, जब तक से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, जब तक से GDP GNP नहीं बढ़ेगा, जब तक से इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो वेलफेयर कहाँ से आएगी? तो वेलफेयर तो शुरू में, शुरू में जब सब कुछ शुरू होता है, तो शुरू में कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सोसाइटी शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, इनका शुरू में आउटकम्स भी अच्छा होता है, बट बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी एंड करप्शन एंड लेस अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे सिचुएशन वल्नरेबल हो जाता है। अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूँ, तो USSR, क्यूबा एंड चाइना, तो जो आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, तो ये USSR जो था, ओके, यानी कि जो आज रसिया फेडरेशन है और उसके जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो 1991 में डिसइंटीग्रेट होकर उससे अलग हुए थे, ओके, तो आपका जो USSR है, इसने जो अपने लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एडॉप्ट किए थे, ओके, वो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि, और जो उन्होंने कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, ओके, आपके जो लेनिन थे, ओके, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ओके, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रसिया धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ बढ़ा, और जो उन्होंने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया उससे उन्होंने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने नहीं बाकी दुनिया ने देखा कि कम्युनिज्म हैज फेल्ड टू प्रॉस्पर, ओके, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, करप्शन, लो एफिशिएंसी, एंड व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट डिसाइडिंग रिसोर्स एलोकेशन, और अगर गवर्नमेंट एरोगेंट हो, अगर उसको एक्सपेंडिचर, अपना सारा एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन डिफेंस पे करना है, तो फिर वहाँ पर, अगर USSR की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी थी,
और मोर टेरिटोरियल एनेक्सेशन के लिए इन्होंने डिफेंस पे, मिलिट्री पे बहुत खर्च किया, इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, और लोगों के वेलफेयर के बारे में, लोगों का वेलफेयर होता है हॉस्पिटल से, बेटर एजुकेशन से, उनकी जो इसेंशियल नीड है, इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको बेहतर जॉब देने से। ओके, सोसाइटी में उन चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए जो लोगों के नीड को फुलफ़िल करे, किसी गवर्नमेंट के एरोगेंस को या उसके मिलिट्री एडवेंचर्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर सरकार रिसोर्स एलोकेशन करेगी तो इकॉनमी चौपट हो जाएगा। और यही कारण था यूएसएसआर के बर्बाद होने का, उनका जो मिलिट्री, जो उनकी मिलिट्री, जो उनके ड्रीम्स थे, ओके, जो उनका कोल्ड वॉर में जो अमेरिका के साथ राइवलरी था, जो स्पेस वॉर था, इन्होंने, और वो करप्शन, एफिशिएंसी, इन सब ने बर्बाद कर दिया इनको। और क्यूबा ने भी इनिशियली कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, चाइना ने भी, लेकिन अब तो यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। चाइना और क्यूबा आज की डेट में एक सोशलिस्ट इकॉनमी है, और सोशलिस्ट इकॉनमी में भी वो ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे अब सब्सटेंशियल ग्रोथ हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का। अब कुछ कंक्लूडिंग बातें मैं बताता हूँ। देखिए, दुनिया ने ये देखा कि कम्युनिज्म जो है, ठीक है, अगर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में कोई कम्युनिज्म को अप्लाई करे तो वो ब्रूटल फेल्योर है, ब्रूटल फेल्योर है, दुनिया ने प्रैक्टिकली देखा। ओके, कम्युनिज्म एक सपना दिखाता है इगैलिटेरियन इक्वल सोसाइटी का, पर वो अचीवेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई करप्शन, हाई लेवल ऑफ नेपोटिज्म, लो एफिशिएंसी, एंड देर इज नो इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड। ओके, सो बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इकॉनमी चौपट हो जाती है। फिर दुनिया ने ये देखा कि ठीक है, दुनिया ने कम्युनिज्म से शिफ्ट किया सोशलिज्म की तरफ। ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एडॉप्ट किए इन्हों, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिसोर्स एलोकेशन को कंट्रोल किया, ओके, ताकि वो सोशल वेलफेयर को अचीव कर सके। लेकिन फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी दुनिया में फेल्योर साबित हुई। उन्होंने ये देखा कि जीडीपी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, या जो जीडीपी जीएनपी है, ये प्रॉस्पर नहीं कर पाती हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट कंपनीज में लो एफिशिएंसी, हाई करप्शन। फिर दुनिया ने जो देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सब जगह सक्सेसफुल है, यानी कि लॉन्ग रन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो किसी भी नेशन, कंट्री या रीजन को प्रॉस्पर बनाती हैं, वहाँ पे हैप्पीनेस और वेलबींग को बढ़ाती हैं, इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज आप देखें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ओके, एसडीआई इंडेक्स में आप देखें जितनी भी कंट्रीज हाई परफॉर्मिंग, आप देखें जो भी 25-30 में कंट्री आएंगी, ये सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। ओके, सो कैपिटलिज्म इनिशियली जो है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये शुरू में थोड़ा पेनफुल इंजेक्शन है, पर लेटर ऑन ये उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाकी कम्युनिज्म तो एक ब्रूटल फेल्योर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी फेल्योर साबित हुई है बिकॉज यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नहीं होता है। तो आज की डेट में दुनिया जो है, या तो वो मिक्स इकोनॉमी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है, ठीक है, तो जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे शिफ्ट हुए, फिर उन्होंने जब सोशलिज्म के फेल्योर को देखा तो वो मिक्स इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कि ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दिए, टैक्सेशन पॉलिसी को ऐसा रखे जो बिजनेस इन्वायरमेंट को फ्लोरिश कराए। और मिक्स इकोनॉमी में भी लोगों ने, दुनिया ने ये ऑब्जर्व किया, लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, इंडिया के तो फिर भी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बिकॉज ऑफ मॉडरेट इफिशियंसी वो जीडीपी ग्रोथ नहीं अचीव कर पाता है जो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे अचीव होते हैं। तो कम्युनिज्म से दुनिया सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट हुई, ओके, सोशलिज्म से वो मिक्स इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुई, और मिक्स इकोनॉमी का भी जो अल्टीमेट फ्यूचर है वो कैपिटलिज्म ही है। तो अल्टीमेटली सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही बन जाती है, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी ऐसा नहीं है कि फुली मार्केट कंट्रोल पे चलती है, मतलब वहाँ गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन, प्रैक्टिकली जो उसके प्रिंसिपल्स हैं कि फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली
अवेलेबल एनी वेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वहाँ गवर्नमेंट का मार्केट में अपना एक कंट्रोल है, रेगुलेशन है, और गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है ताकि जो वहाँ पे जो वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम है, वो क्रम्बल ना करे। ओके, तो गवर्नमेंट हमेशा इकॉनमी में इंटरवीन करती है जस्ट टू कीप द इकॉनमी सस्टेनेबल एंड जस्ट टू मेक द इकॉनमी कीप ग्रोइंग। ओके, सो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर्स हर इकॉनमी में बढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इकॉनमी में मैक्सिमम इकोनॉमिक एंटिटी या प्रोड्यूसिंग यूनिट प्राइवेट सेक्टर के होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को उनसे जो हो रेवेन्यू होगी उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के जो भी प्रोग्राम्स हैं लाइक पावर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, बेटर टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल टू द कॉमन पीपल गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फंक्शन एंड गवर्नमेंट विल ऑलवेज इंटरवीन इन मार्केट वेन एवर इट इज़ नेसेसरी, ओके, फॉर इट्स स्टेबिलिटी। और अगर जब भी कोई करप्शन, मान लीजिए किसी कंपनी में करप्शन होता है, ओके, या मान लीजिए कोई कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो उस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अगर वो बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है, ओके, अगर उसके एनपीएस बढ़ रहे हैं, या फिर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में करप्शन हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी। ओके, यानी कि वहाँ पे इंटरवीन करके उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेगी, और अगर उनको इम्प्रूव की जा सकती है तो इम्प्रूव करेगी, अगर वो इम्प्रूव नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं बनाए जा सकते तो उनको इनसॉल्वेंट किया जाएगा, और इनसॉल्वेंट करके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा मार्केट में रहेगा, इकॉनमी में रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द एसेंशियल पिलर फॉर द सस्टेनेंस ऑफ एवरीथिंग इन द सोसाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर टू इकॉनमी टू एनीथिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू।